सऊदी अरब पर अल्लाह का अजाब आ चुका है। सऊदी अरब जो कि बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका था, यहाँ पर पिछले 10 घंटे लगातार बारिश हुई। कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और दो लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि रेगिस्तान में अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी 17 नवम्बर को सऊदी की हुकूमत ने ऐलान किया था कि काफी टाइम से बारिश नहीं हो रही, तो सब सलातुल इस्तिका नमाज पढ़ेंगे। पूरे मुल्क में ये नमाज पढ़ी गई और नमाज खत्म होते ही बादल बनना शुरू हो गए। अल्लाह से बारिश की दुआ की गई, अल्लाह ने बारिश बरसाई। मक्का और मदीना में भी बारिश हुई, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसे आप रहमत की बारिश कह सकते हैं। लेकिन जिन शहरों में बाहर से डांसर और सिंगर को बुलाकर नचाया गया था, वहाँ का आलम यह है बाढ़ आ चुकी है। यह कोई नदी नहीं है, बल्कि यह पूरा रेगिस्तान था जो कि एक नदी बन चुका है, और पहाड़ों पर से झरने बहना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दोबारा अरब की जमीन हरी भरी ना हो जाए और नहरों में तब्दील ना हो जाए। अल्लाह से सऊदी अरब के लिए दुआ कीजिए।